मनुष्य जीवन पर आने वाले उम्र के पड़ाव को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह का बदलाव करके उम्र के लक्षणों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा फेस दिखाई देता है और फेस पे सबसे पहले हमारी एज दिखाई देती, फिर हमारा शरीर दिखाई देता है और इन सब चीजों से हमारी एज का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम हमारी लाइफस्टाइल में कुछ डाइट, योगा, मेडिटेशन या स्किन केयर रूटीन को अपना करके हम आने वाली उम्र के लक्षण को 5 से 10 साल छोटा कर सकते हैं। अपना स्किन का सेशन चल रहा था, लास्ट सेशन में मैंने ये बताया था कि जो स्किन में बदलाव आते हैं उनके क्या कारण है या उनके क्या उपाय किए जा सकते। उपाय के तौर पे मैंने बताया था कि मैं आपको एक होम रेमेडी से तैयार एक क्रीम बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन पे सनबर्न, टैंड या कालापन होता है वो दूर होगा। आज मैं आपको होम रेमेडी से तैयार ऐसी क्रीम बनाना सिखाऊंगी जिसको आप डे में भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा बदलाव करके उसको नाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी रेमेडी से आपको एलर्जी है तो चीज को आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ही रिस्क पे आप इसका इस्तेमाल करें। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वॉच करना है। अगर आपने वॉच नहीं किया पूरा तो इसमें बताई जाने वाली रेमेडी को आप स्किप कर देंगे और फिर आपकी क्रीम है वो सही ढंग से नहीं बन पाएगी। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को पूरा वॉच करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। ध्यान रहे कि जो भी इसमें अपन चीजें इस्तेमाल करते हैं, खुली चीजें, उनको अच्छे से आप साफ करें या धोएं। सबसे पहले आपको आधा कप पानी का लेना है, फिर उसके अंदर 1 चम्मच आपको सौंफ का लेना है, 1 चम्मच आपको चावल का लेना है। वो चावल लेने हैं बिल्कुल हल्के वाले जो खिचड़ी या खीर में इस्तेमाल करते हैं वो। 1 ग्रीन टी बैग लेना है, उस पानी के अंदर डालना है और फिर इनको आप हल्के आंच पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दे। पानी उबल करके आधे कप से 1/4 पानी बचे तब उसको आप छान करके लें और ठंडा होने का वेट करें। उसके पश्चात आपको जो आपने बॉईल किया है पानी उसकी 2 चम्मच ऐड करें, 1 चम्मच आप खीरा के रस की ऐड करें, 1 चम्मच आप गुलाब जल के पानी की ऐड करें, 3 से 4 चम्मच आप एलोवेरा जेल की ऐड करें और 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल की ऐड करें। कोकोनट ऑयल स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट ऑयल है, लेकिन इसके अलावा भी आप अच्छा ऑयल आपकी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं या आपको सूट करता है तो वो आप इसकी जगह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप अच्छे से एकदम से फैट लें। ध्यान रहे कि अगर आपको लगता है क्रीम में थोड़ा ढीलापन है तो आप एलोवेरा जेल को और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फैट लें और क्रीम की तरह टाइटनेस आ जाए तो इसको साफ कंटेनर में भर के आप फ्रिज में 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो है अपनी डे क्रीम, अब इसी को नाइट क्रीम में लगाना है। आपको इसके अंदर 2 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल की इस्तेमाल करनी है, आधे से भी कम चम्मच इसमें ग्लिसरीन की डालनी है और एलोवेरा जेल की क्वांटिटी को और बढ़ा दीजिए। ये मिक्स करके इसको आप नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बिना विटामिन ई ऑयल और ग्लिसरीन के है उसको आप डे में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डे में अगर अपन विटामिन ई ऑयल या ग्लिसरीन वाली क्रीम बनाएंगे तो गर्मी का सीजन है इसलिए थोड़ा चिपचिपा सा या पसीना सा आएगा और अनकंफर्ट फील होगा। तो इस क्रीम को आप रात में इस्तेमाल कर, इसको आप जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की स्किन के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको इसमें से किसी चीज से एलर्जी है या साइड इफेक्ट है तो आप उसको स्किप करें या अपनी रिस्क पे इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को आप घर पे बना करके जरूर इस्तेमाल करें और 7 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि स्किन पे कितना फर्क पड़ा है। अगले सेशन में अपन ऐसी किसी नई रेमेडी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।